आपकी सरकार को देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं संबित भाई, मैं तो आपसे फिर से मिलकर इतना खुश हुई हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रही हूं कि दिल्ली में डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो रहा है। हमारे होम मिनिस्टर बिल्कुल भी इनइफेक्टिव रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए, चाहे लॉयर पुलिस की लड़ाई हो, चाहे पुलिस स्टूडेंट्स की लड़ाई हो, चाहे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है, वो ना उसको उठाते हैं ना उनसे नेगोशिएट करके उसको सॉल्व कर पाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। आप अपनी इनइफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अरविंद केजरीवाल पे ब्लेम मत कीजिए, और अगर ब्लेम करना है तो लॉ एंड ऑर्डर हमें दीजिए। लेकिन प्रीति शर्मा मेनन, प्रीति शर्मा एक सेकंड, संबित प्रीति शर्मा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो एसआईटी के हवाले से सामने आई, क्योंकि गृह मंत्री पे उठाया गया सवाल, मुझे आना पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, लेकिन बाकी पैनलिस्ट भी हैं, वारिस पठान भी मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। एक सेकंड प्रीति शर्मा मेनन, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उस पर आप क्या कहती हैं? उस कपिल गुर्जर का लिंक आम आदमी पार्टी के साथ एस्टैब्लिश हो रहा है। एसआईटी के ने स्पष्ट अपने वक्तव्य में कहा नहीं कि इसका संबंध आम आदमी पार्टी के साथ है, संजय सिंह के साथ, आतिश सिंह के साथ। उनकी तस्वीर सामने आई है, उनको पटका पहनाया जा रहा है, उनको टोपी पहनाई जा रही है, आम आदमी पार्टी में लिया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए वहां भेजा गया, एजेंडा था मुस्लिम वोट एक साथ हो, ये बीजेपी का आरोप है। ये अरविंद केजरीवाल एक हिंदू बानिया को आतंकवादी बुलाते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जो एक मुख्यमंत्री है जिसको इतने बहुमत से मिला गया, उनको तो ये आतंकवादी कह रहे हैं। सर, आप बोल रहे हैं कि हिंदू गुर्जर आतंकवादी नहीं हो सकता, तो हिंदू बानिया आतंकवादी हो सकता है? ये कहां का तर्क है? आप ये बात छोड़िए, आप बोल रहे हैं कि फोटोज क्योंकि हमारे साथ थे इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक हिंदू बनिया आतंकवादी कैसे हो सकता है? आम आदमी पार्टी फ्लिप्स द गेम ऑन भारतीय जनता पार्टियों के समित पात्रा, नाउ रिस्पॉन्ड। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक हिंदू बनिया है अरविंद केजरीवाल, वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? जवाब दीजिए, आप ही की गेम में आपको फंसा दिया समित पात्रा। पहली बात, हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से, अभी इन्होंने कहा कि वो जो बैठे हुए हैं शाहीन बाग में उनको हटाया जाए। मैं एक सेंटेंस पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, आप शाहीन बाग के साथ हैं या शाहीन बाग के खिलाफ हैं? जवाब दे दे, फिर मैं कंप्लीट करूंगा। आप बताइए प्रीति, शाहीन बाग के साथ हैं या अगेंस्ट? मेरा जवाब ये है कि जो भी देश को डिवाइड करने की कोशिश करता है हम उसके खिलाफ हैं। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की वजह से दिल्ली की जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। हमने तो दरखास्त की है अमित शाह से कि वो प्लीज इस पे एक्शन ले, या तो उनको नेगोशिएट करके हटाएं या उनको जैसा ठीक समझे हटाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं। हमारे चैनल के मंच पर मनीष सिसोदिया ने बोला शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, मनीष सिसोदिया ने बोला हमारी मंच पर कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। उसके बाद अमरुल्ला खान लगातार शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। हम किसी आपके विधायक हैं, आपके कैंडिडेट हैं वो, उसके मैं जवाब दे रही हूँ। मनीष सिसोदिया ने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि हम किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ हैं, लेकिन अगर प्रोटेस्ट डिसरप्टिव होता है, देखिए वो चाहते ही हैं, ये चाहती है। देखिए जहां तक अमित शाह जी को शाहीन बाग हटाने का विषय है, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके बातचीत की शाहीन बाग वालों के साथ, वो हटे नहीं। एलजी ने 4.5 घंटे बातचीत की, वो हटे नहीं। ये चाहते हैं वहां लाठीचार्ज हो, वहां कैनन छोड़ा जाए, टीयर गैस छोड़ा जाए, ताकि ये लोग बाद में छाती पीट के रोएंगे कि हिटलर ने मुसलमानों को मार दिया, यही लोग रोना शुरू करेंगे। दूसरी बात, जहां तक आतंकवादी का बात है, अरविंद केजरीवाल, वारिस पठान, आप लोग पहले आपको तकलीफ थी राम मंदिर बनने से, अब आपको तकलीफ हो गई है राम मंदिर का ट्रस्ट भी बनने से, उसको भी आपने दिल्ली चुनाव के साथ जोड़ दिया है। किस किस चीज को और दिल्ली चुनाव के साथ जोड़ेंगे? चुनाव को 48 घंटे बाकी है, आपका लेना देना क्या है दिल्ली के अंदर ये भी बता दीजिए। दिल्ली ये देश पूरा हिंदुस्तान जो है, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, जितना अधिकार मोदी का पूरे देश से लेना देना है उतना ही अधिकार वारिस पठान का भी देश से लेना देना है। बात नंबर एक, संविधान आप पढ़ लीजिए, राइट टू इक्वालिटी। आप बात दिल्ली के चुनाव की करें तो भाजपा का हमेशा से ये मुद्दा रहा है गाय गंगा दंगा मंदिर।
दंगा कराने की इन्होंने बहुत कोशिश की, तमंचे ले लेके लड़कों को भेज दिए, फायरिंग करवाई जामिया में, शाहीन में, पर कुछ हुआ नहीं। तो अब मोदी जी ने शुरू कर दिया राम मंदिर का इशू। अरे चुनाव के पहले ही इनको याद आ जाते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा संबित पात्रा वगैरह भाजपा के लीडरों से कि देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, आप तो तमंचे के नाम से आपने संविधान को जोड़ दिया है। इन्होंने संविधान को मानने वाले लोग हैं, जोड़ूंगा किसने हक दिया मोदी और आपने तो जोड़ दिया है। न्यूज़ 18 को इस पे क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। इन्होंने कहा गंगा गंगा और मंदिर, आप दंगा शब्द को गंगा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? हमेशा से पवित्र है, इसी के हमारी माँ है, हमारी माँ है गंगा। काम तो आपने कुछ किया नहीं, कैसे जोड़ सकते हैं? सफाई तो की नहीं है, अरे गंगा को दंगा के साथ जोड़ रहे हैं। आपकी माँ सिर्फ एक ही है, कुर्सी और आपकी माँ सिर्फ एक है, कुर्सी की लालच। आप कुर्सी की लालच के लिए पूछ रहे हैं तक जा सकते हो? लेकिन बारिश बढ़ रहा है, मैं तूफान में जा रहा हूँ। दिल्ली में जो सरकार, दिल्ली में जिनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी, उनको कोई तकलीफ नहीं है।